हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। यह करंट अफेयर्स आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। आज 8 दिसंबर 2018 वार शनिवार। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। नीति आयोग ऑर्गेनाइज्ड एआई फॉर ऑल ग्लोबल हैकथॉन टू सोर्स सस्टेनेबल इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड सॉल्यूशन टू एड्रेस वेरियस चैलेंज इन द डेवलपमेंट स्पेस विद द विजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर ऑल। नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर ऑल के दृष्टिकोण के साथ विकास, अंतरिक्ष में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए टिकाऊ, अभिनव और तकनीकी रूप से सक्षम समाधानों के स्रोत एआई फॉर ऑल ग्लोबल हैकथॉन का आयोजन किया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लक्समबर्ग इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, इम्प्लीमेंटिंग द मूव इन 2020। लक्समबर्ग सभी सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बनने के लिए तैयार है। यह कदम 2020 में लागू होगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड ए क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ $500 million टू तंजानिया फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक ने तंजानिया को देश में जल आपूर्ति परियोजना के लिए $500 million की क्रेडिट सुविधा बढ़ा दी है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। डॉक्टर सुब्रमण्यम विल हैव ए टेंज्योर ऑफ 3 years। सरकार ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 3 साल का होगा। नेक्स्ट, ए फॉर्मर सीनियर इंडियन डिप्लोमेट प्रीति सारन हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू एन एशिया पैसिफिक सीट ऑन द UN's कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स CESCR। एक पूर्व वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति CESCR पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया है। नेक्स्ट, बिजनेस न्यूज, व्यापार समाचार। नोएडा बेस्ड आईटी मेजर HCL टेक्नोलॉजीज विल एक्वायर 7 IBM प्रोडक्ट्स बाय मिड 2019 फॉर $1.8 billion ओवर 12,700 crore रुपीज इन इट्स बिगेस्ट एवर एक्विजिशन फॉर। नोएडा आधारित आईटी प्रमुख HCL टेक्नोलॉजीज अब तक के अपने सबसे बड़े अधिग्रहण में 2019 के मध्य तक $1.8 अरब 12,700 crore रुपए से अधिक में 7 IBM उत्पादों का अधिग्रहण करेगा। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन कन्फर्म द स्कॉच अवार्ड फॉर नेशनल सिग्निफिकेंस एट एन इवेंट हेल्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, बैठक एवं सम्मेलन।
The Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP, in the Ministry of Commerce and Industry and the Government of Goa hosted the annual Startup India Venture Capital Summit in Goa. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और गोवा सरकार में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP ने गोवा में वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है. नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ खेल समाचार. टीम इटली वोन द एडमिरल्स कप 2018 द नाइन्थ एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा 2018 कंक्लूडेड विद ए ग्लिटरिंग क्लोजिंग सेरेमनी एट इथिकुलम बीच एट इंडियन नेवल अकेडमी INAG माला. टीम इटली ने एडमिरल कप 2018 जीत लिया है. एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा 2018 का नौवें संस्करण भारतीय नौसेना अकादमी INAG माला में एटिकुलम तट पर एक शानदार समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज महत्वपूर्ण दिवस. सिंस 1949 7 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे थ्रू आउट इंडिया टू ऑनर द मैट्रीज एज वेल एज मैन एंड वुमेन इज इन यूनिफॉर्म हु वैलियंटली फाइट ऑन आवर बॉर्डर्स टू सेफगार्ड द कंट्रीज ऑनर. 1949 से 7 दिसंबर को शहीदों के साथ साथ देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले वर्दी में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट मिसलेनियस विविध. ऑन द 62 डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत लॉन्चेज द वेबसाइट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीडिया स्कूल डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्कूल ऑफ मीडिया एम्पावरमेंट ASME टू ट्रेन दलित एंड ट्रिब्यून यूथ इन जर्नलिज्म. BR अंबेडकर की 62वीं जयंती पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने दलित और आदिवासी युवाओं को पत्रकारिता में प्रशिक्षित करने के लिए अपने तरह के पहले मीडिया स्कूल डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्कूल ऑफ मीडिया एम्पावरमेंट ASME की वेबसाइट लॉन्च की है. नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज. कोलकाता पटना इन इज इंडियाज न्यू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट IWT ओरिजन डेस्टिनेशन पेयर ऑफ कंट्री एंड कार्गो मूवमेंट ऑन द नेशनल वाटर वेज. फर्स्ट कोलकाता पटना राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर कंटेनर युक्त कृत कार्गो आगमन के लिए भारत की नई अंतर्देशीय जल परिवहन IWT मूल गंतव्य जोड़ी है. तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है. यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.